नमस्कार दोस्तों, जंप चार्ज ग्राहकों को अलग से देना पड़ेगा। सोच में पड़ गए ना कि आखिरकार ये जंप चार्ज है क्या? तो दोस्तों, डीजे सर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस लाइन का मतलब समझने के लिए हमें कम से कम 15-20 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब देश में एसटीडी पीसीओ को फ्यूचर बिजनेस माना जाता था। थार के मरुस्थल में जब संचार क्रांति आई तो टेलीफोन गिने चुने घरों में ही हुआ करते थे, वो भी बड़े गांवों में जहां तक केबल पहुंची थी। फिर धीरे धीरे टेलीफोन की जरूरत आम जनजीवन में बढ़ने लगी, तो फिर एसटीडी का दौर आया। एसटीडी बूथ मतलब एक ऐसी जगह जहां जाकर आप किसी को भी फोन मिलाकर बात कर सकते थे। मिनट के हिसाब से चार्ज फिक्स होता था, और अगर बीच में लाइन डिस्कनेक्ट हो गई तो फिर से जोड़ने के लिए जो पैसे एक्स्ट्रा लगते थे उसे ही जंप चार्ज कहा जाता था। लोगों को ये तकनीक पसंद आई तो फिर एसटीडी की संख्या बढ़ने लगी। शहरों से होते होते फिर हर गांव गली में खुलने लगी। एसटीडी में जो टेलीफोन लगा होता वो एक प्रिंटिंग मशीन से जुड़ा रहता था। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही प्रिंटर से एक रसीद निकलती जिस पर नंबर, कॉल की अवधि और चार्ज लिखा होता था। शुरुआत में एसटीडी पीसीओ को विशेष परिस्थितियों में एक से दूसरी जगह समाचार पहुंचाने के लिए काम में लिया जाता था। बाद में जैसे जैसे लोगों को ये तकनीक पसंद आने लगी और क्रय शक्ति बढ़ती गई तो फिर इसका प्रयोग सामान्य होने लगा। परदेश बैठे पति से बात करती पत्नी, बेटे का हाल पूछती माँ, अपनी पहुंच की जानकारी देते ट्रक ड्राइवर, बाजार से जींसों का भाव पता करते व्यापारी, पीहर ससुराल में अपने ज्यादा दिन रुकने का समाचार देती स्त्रियां, रक्षाबंधन पर दूर दिशावर बैठे भाई से बात करती बहन, नेताजी के पहुंचने की जानकारी लेते युवा, घर वालों को अपने सकुशल होने का समाचार देते फौजी, जैसे अनेक चित्राम आज भी हूबहू याद है। एक वक्त ऐसा भी आया जब एसटीडी में बैठने वाले के पास पनवाड़ी की दुकान से भी ज्यादा खबरें होती थी। पूरे गांव मोहल्ले की हर अच्छी बुरी खबर उसको पता होती थी। कांच लगे लकड़ी के बूथ का चलन भी आया जिसमें थोड़ी प्राइवेसी मेंटेन रहती थी। खैर, अब एसटीडी के इतिहास हुए एक अरसा गुजर गया। एसटीडी के थोड़े समय बाद सिक्का डालने वाला फोन भी आए जिनमें जितनी देर बात करनी हो उसके हिसाब से प्रति मिनट एक सिक्का डालना होता था। ये टेलीफोन, एसटीडी, फैक्स, तार सब गुजरे जमाने की बातें हैं। इनमें और भी बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है। दादा दादी, मम्मी पापा से मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को अपने एसटीडी के अनुभव जरूर बताएं। बच्चों से भी अनुरोध है कि अपने दादा दादी या मम्मी पापा से एसटीडी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा, और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।